हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। यहां पर देख सकते हैं डेटा हमारा बिल्कुल भी अरेंज्ड वे में नहीं है। ये देख सकते हैं कहीं पर छोटा कहीं पे बड़ा, इस तरह के सेल्स बने हुए हैं, कॉलम्स बने हुए हैं। अब इनको एक बार में सही करना चाहते हैं तो पूरे डेटा को एक बार में सेलेक्ट कर लीजिए, कहीं पर भी इस डेटा पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल ए कर दीजिए। समझ आई बात? कहीं पर भी इस डेटा पर क्लिक करके कंट्रोल ए प्रेस कीजिएगा और अब प्रेस करना है आपको अल्ट एच ओ आई। जैसे ही प्रेस करेंगे ये डेटा ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। इसके बाद अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं अल्ट एच बी ए प्रेस कर दीजिएगा। और अगर अब आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो कंट्रोल टी प्रेस कीजिएगा। जैसे ही प्रेस करेंगे ये विंडो ओपन होगी, ओके कर दीजिएगा। ये लीजिए, हो गई फॉर्मेटिंग। ओके,